हैं चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लोकसभा निर्वाचन की घोषणा ऑलरेडी हो चुकी है। आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में 4 चरणों में चुनाव होंगे, पूरे कंट्री में 7 फेजेस में चुनाव होंगे। पिछले लोकसभा निर्वाचन के दौरान हमारे यहां चुनाव स्टेट में 4th, 5th, 6th, 7th फेज में हुए थे। इस बार वो 1st, 2nd, 3rd and 4th फेज में होंगे। फर्स्ट फेज का जो पोल है वो 6 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में है, जो 19 अप्रैल को है। सेकेंड फेज का जो पोल है वो 26 अप्रैल को है 7 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए। थर्ड फेज का पोल 7 मई को है 8 संसदीय क्षेत्र के लिए, और आखिरी चरण जो हमारा है वो 13 मई को है 8 संसदीय क्षेत्र के लिए। कुल हमारे यहां 29 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। जैसा आप जानते हैं, हमारे जो टोटल वोटर्स हैं आज की स्थिति में वो हैं 5,64,76,110, 5,64,76,110। जैसा हम जानते हैं कि नाम जोड़ने की कार्रवाई, नॉमिनेशन लेने के जो आखिरी तारीख होती है उसके 10 दिन पहले तक हम आवेदन लेते हैं, तो ये हर चरण के हिसाब से वैरी करेगा, क्योंकि नामांकन की तारीख भी हर फेज के लिए अलग अलग है। पुरुष मतदाताओं की संख्या 2,90,00,000 है, मैं राउंड फिगर बोल रहा हूं। महिला मतदाताओं की संख्या 2,74,00,000 है। थर्ड जेंडर 1,228, जो हमारे ओवरसीज मतदाता हैं, जो दूसरे विदेशों में रहते हैं, उनकी संख्या 118 है। जो हमारे सर्विस इलेक्टर्स हैं, जो हमारे सीमा पे जवान साथी हैं, आर्मी के लोग हैं, उनकी संख्या 74,835 है। यदि हम हर श्रेणी के मतदाताओं को टोटल कर देते हैं, जिसमें हमने पहले जनरल इलेक्टर्स आपको बताया था, फिर ओवरसीज इलेक्टर्स बताए, सर्विस इलेक्टर्स बताए, तो ये 5,65,50,945 होता है, जिसमें हम हर प्रकार के उनको जोड़ देते हैं, 5,65,50,945। हमारी जो वर्तमान मतदाता सूची है उसमें जो 18 से 19 साल के जो वोटर्स हैं उनकी संख्या 16,49,641 है। 80 साल से अधिक की आयु के जो मतदाता हैं, 80 प्लस के जो मतदाता हैं, उनकी संख्या 6,99,976 है। जैसा अभी आपने देखा सुना भी और आपने रिपोर्ट भी किया है कि होम वोटिंग की सुविधा, घर से मतदान करने की सुविधा जो विधानसभा चुनाव के दौरान 80 साल से अधिक आयु के लोगों को प्राप्त थी, उसमें एक संशोधन हुआ है कि अब वो सुविधा 85 प्लस के लोगों को दी गई है। तो इसलिए हमने 85 प्लस के मतदाताओं की संख्या भी निकाली है। अपने राज्य में 85 प्लस के जो मतदाता हैं उनकी संख्या आज की स्थिति में 2,89,503 है। 2,89,503 और बोलो, ठीक है। जो हमारे दिव्यांग मतदाता हैं, दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 579,130, 5,79,130। इसमें ये है, आप जानते हैं कि जो 40% से ज्यादा जो जिनकी दिव्यांगता है उनको भी होम वोटिंग का विकल्प उपलब्ध होता है, वो चाहें तो घर से मतदान करने की सुविधा का लाभ ले सकते हैं। तो घर से मतदान करने की सुविधा का लाभ 2 श्रेणी के लोगों को प्राप्त है, 85 प्लस के वोटर्स और हमारे ऐसे दिव्यांग मतदाता जिनकी दिव्यांगता 40% से ज्यादा है। जो हमारा ईपी रेशियो होता है, आबादी का कितना परसेंट है जो मतदाता है, वो 64.54 है। मतलब मध्य प्रदेश की आज की जो हमारी आबादी है, पॉपुलेशन है, उसका 64.54% लोग उसके मतदाता हैं। और जो जेंडर रेशियो है हमारी मतदाता सूची का, प्रति 1,000 पुरुष पे कितनी महिला मतदाता है, वो 947 है।
जैसा आप जानते हैं, बताया मैंने कि नाम जोड़ने की कार्रवाई है वो नामांकन के अंतिम दिनांक के 10 दिन पहले तक होती है, और जो नाम काटने की कार्रवाई होती है, नाम हटाने की, तो निर्वाचन की घोषणा के बाद नाम काटने के आवेदन प्राप्त नहीं लिए जाते, या लिए जाते हैं तो उन पर कार्रवाई नहीं की जाती। हमने पोर्टल तो हम बंद नहीं करते, तो जो भी आवेदन आता है 16 तारीख को निर्वाचन की घोषणा हो गई, इसके बाद जो आवेदन आते हैं किसी के नाम हटाने के, मृत्यु के कारण हो या शिफ्टिंग के कारण हो, तो उनको अभी काटा नहीं जाता है, अलग से उनकी लिस्ट बनाई जाती है। अगर हम देखते हैं ऐसे कि पोलिंग स्टेशन वार अगर हम देखते हैं, तो जो हमारे 29 जो संसदीय क्षेत्र हैं, उसमें सबसे कम मतदान केंद्र वाला जो हमारा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो छिंदवाड़ा है। छिंदवाड़ा में 1934 मतदान केंद्र है, 1934। सबसे अधिक मतदान केंद्र जिस संसदीय क्षेत्र में है वो मंडला है, जहां पे 2614 मंडला में सबसे ज्यादा मतदान केंद्र है। मतदाताओं की संख्या के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो अगेन छिंदवाड़ा में वोटर्स की संख्या सबसे कम वोटर वाला अगर कोई पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है तो छिंदवाड़ा है, जहां 16,32,074 इतने मतदाता हैं आज की स्थिति में। और अधिकतम मतदाता वाला कोई जो संसदीय क्षेत्र है वो इंदौर है, जहां 25,13,424 इतने मतदाता हैं। तो इंदौर में हाईएस्ट नंबर है, छिंदवाड़ा में लोएस्ट नंबर है। जेंडर के हिसाब से जब हम देखते हैं तो जेंडर रेशियो हमारा जो सबसे कम है जिस पार्लियामेंट में वो भिंड है। भिंड में 1000 पुरुष पे जो महिला का अनुपात है वोटर का, वो 857 है, 857। हमने पूरे राज्य का भी देखा था, 947 था औसत, लेकिन भिंड में वो घट के 857 है। और हाईएस्ट जेंडर रेशियो जहां सबसे अच्छा है 1000 पुरुषों पे अधिक महिलाएं, वो बालाघाट है, 1014। तो बालाघाट में प्रति 1000 मतदाताओं पे महिला मतदाताओं की संख्या ज्यादा है, 1014। जी, इसके अलावा हमारे मतदान केंद्रों की संख्या वही है जो विधानसभा निर्वाचन के दौरान थी, 64,523। विधानसभा के दौरान हम लोगों ने सहायक मतदान केंद्र कुछ बनाए थे, जहां भी मतदाताओं की संख्या 1550 से ज्यादा थी वहां पे हम लोगों ने सहायक मतदान केंद्र बनाए थे। ये सहायक मतदान केंद्र वहीं पे बनाते हैं जहां मूल मतदान केंद्र होता है, कहीं मतदाता को अलग ही दूर नहीं जाना पड़ता। इस बार हम लोगों ने लोकसभा चुनाव के लिए, विधानसभा चुनाव का जो अनुभव रहा था उसके आधार पे 1550 की जगह इसको 1500 किया है। तो जहां भी जिस मतदान केंद्र पे 1500 से ज्यादा मतदाता हैं, वहां के लिए हम लोगों ने सहायक मतदान केंद्र बनाने का प्रस्ताव भारत निर्वाचन आयोग को भेजा है। इस प्रकार के कुल हम 367 सहायक मतदान केंद्र भारत निर्वाचन आयोग से अनुमति प्राप्त होते ही बनाएंगे, 367। ये सहायक मतदान केंद्र उसी जगह पे होते हैं जहां मूल मतदान केंद्र होता है। दो मतदान केंद्र होने से थोड़ा भीड़ कम हो जाती है, आसानी से मतदान हम कर पाते हैं। कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए जो प्रयास पिछले बार हम लोगों ने विधानसभा के दौरान किए थे, वही हम लोग इस बार भी कर रहे हैं। अभी आचार संहिता के चुनाव की घोषणा हुए 2 दिन हुए हैं, लेकिन लगातार समीक्षाएं चल रही हैं। हमारे स्टेट में जो लाइसेंस्ड वेपन है वो 2,84,503 है, 284503। इसमें से लगभग 1.25 लाख हथियार अभी तक हम लोग जमा करा चुके हैं और बाकी कार्रवाई चल रही है। कुछ अवैध हथियार जब्त भी किए गए हैं, 152 अवैध हथियार हैं जो जब्त भी किए गए हैं। जैसा हम लोगों ने पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान भी बहुत सारे मतदान केंद्र हमारे थे, आप सबसे पहले भी चर्चा हुई थी, जो पूर्णतः विमेन मैनेज थे, जिसको हम पिंक पोलिंग बूथ कहते हैं, जहां के चारों जो मतदान दल होते हैं सभी महिलाएं थी,
मंदसौर में आपको बताऊं पूरी काउंटिंग की पूरी टीम, मैंने पूरी काउंटिंग वहां महिलाओं ने की थी विधानसभा चुनाव के दौरान, जो कंट्री में एक बड़ा अनूठा प्रयोग रहा था और बहुत सराहा गया था, इंडिया टुडे ने भी इसको कवर किया था। तो लोकसभा निर्वाचन के दौरान हम लोगों ने टारगेट किया है कि 3,500 मतदान केंद्र हम महिलाओं के द्वारा संचालित, सोचा अधिक से अधिक प्रयास ये होगा कि और भी बढ़ाएं, तो सभी कलेक्टर अभी 3,500 हम लोगों ने टारगेट किया है और इसको बढ़ाने का प्रयास करेंगे। इसी तरह से 250 मतदान केंद्र दिव्यांग साथियों के द्वारा संचालित हों, ये हम लोग प्रयास कर रहे हैं। लोकसभा निर्वाचन में लगभग 5.5 लाख कर्मचारी हमारे लगेंगे। मतदान दिवस के दिन बीएलओ हर मतदान केंद्र में पहले उपलब्ध रहते हैं, उनके पास भी एक सूची होती है ताकि वो मतदाताओं की मदद कर सकें। ट्रेनिंग आदि जो भी व्यवस्थाएं हैं वो निर्धारित, सारी जो गतिविधियां हैं इलेक्शन से रिलेटेड वो अपनी टाइमलाइन के हिसाब से चल रही हैं। चूंकि पार्लियामेंट में, विधानसभा में क्या होता है कि जो ड्यूटी लगती है इस विधानसभा के कर्मचारी की ड्यूटी दूसरी विधानसभा में लगती है, तो वो लोग पोस्टल बैलेट की जरूरत पड़ती है। पार्लियामेंट में चूंकि 8 विधानसभा का एरिया होता है, तो कर्मचारी को पोस्टल बैलेट की जगह अधिकांश कर्मचारी इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट से वोट करेंगे, क्योंकि कैंडिडेट नहीं बदलते, पार्लियामेंट का पूरा कैंडिडेट सेम रहता है। तो अगर इस विधानसभा वाले कर्मचारी की ड्यूटी दूसरे विधानसभा में लगी हुई है तो कैंडिडेट का परिवर्तन नहीं होता, तो वो लोग ईडीसी से उसको करेंगे, हाँ जहां उनकी ड्यूटी होगी वहीं डाल देंगे। जैसे निर्वाचन के तो अभी भी काम चल रहा है, हमारे जैसे नाके हैं तो करीब 500 से ज्यादा नाके आज की तारीख में ऑपरेशनल हैं, जिन पे काम चल रहा है, जहां लोग चेकिंग और तमाम तरह की गतिविधियां वहां वो काम चल रहा है। सीजर्स भी हो रहे हैं, वाहनों की चेकिंग वगैरह आदि, वो सारी चीजें आरंभ हो गई हैं और इसको धीरे धीरे और इसमें शक्ति आएगी। विधानसभा चुनाव के दौरान भी हम लोगों ने मतदान 50% से ज्यादा मतदान केंद्रों पे वेबकास्टिंग की थी और वेबकास्टिंग के माध्यम से मतदान की लाइव वेब स्ट्रीमिंग हुई थी। आयोग के निर्देश हैं कि 50% से अधिक मतदान केंद्रों पे लाइव वेब स्ट्रीमिंग हो, उसका पालन लोकसभा चुनाव के दौरान भी किया जाएगा। जिन गाड़ियों में ईवीएम मशीन का परिवहन होता है, जिस वाहन से पोलिंग पार्टी जाती है मशीन लेकर के और जिससे लौटती है, उसके साथ साथ सेक्टर ऑफिसर्स जो उस दिन चुनाव के दिन होते हैं, इन सभी गाड़ियों में जीपीएस लगा होता है, विधानसभा के दौरान भी था और इस बार भी रहेगा, कि जीपीएस के माध्यम से इनके मूवमेंट को ट्रैक किया जा सकेगा कि गाड़ियां किस रास्ते पे जा रही हैं। मतदान केंद्र पे जो हमारे निशक्तजन हैं, वरिष्ठ मतदाता हैं, गर्भवती माताएं हैं या वैसी महिला मतदाता जिनके छोटे बच्चे हैं, इन सबको प्राथमिकता के साथ हम लोग वोट कराते हैं। यथासंभव अधिकांशतः इनको लाइन में नहीं लगना पड़ता, स्वतः ही लोग स्वतः भी उनको आगे कर देते हैं और हमारे जो वॉलंटियर्स हैं वो भी इनकी तत्काल मदद करके ये करते हैं। इस बार चूंकि गर्मी भी होगी तो पर्याप्त छाया वगैरह की व्यवस्था भी मतदान केंद्र में हम लोग रखेंगे। पानी तो रखते हैं, पानी भी रहेगा, छाया भी रखेंगे गर्मी के कारण जी। मठा का तो अभी नहीं है, लेकिन पानी और छाया वगैरह का प्रयास जरूर, अगर स्थानीय स्तर पे कुछ हो पाया तो विचार करेंगे। एक सेकंड मुझे खत्म कर लेने दीजिए। अब वही है ना, अब एक बार खत्म कर लेते हैं फिर बात करते हैं। शिकायतों के निराकरण के लिए जिला स्तर पे, राज्य स्तर पे कंट्रोल रूम है, 1950 से आप परिचित हैं, टोल फ्री नंबर है, उसको शिकायत हो सकती है। सी विजिल ऐप से आप परिचित हैं, उसके माध्यम से शिकायतें होती हैं। चूंकि अपने यहाँ 4 महीने पहले विधानसभा चुनाव हुए हैं तो लगभग सारा कुछ सबके जहन में ताजा है। मतदान के लिए आप सबकी मदद इसमें जरूर लगेगी कि मतदान के लिए वोटर आईडी कार्ड के अलावा 12 प्रकार के अन्य दस्तावेज हैं जिसके आधार पर वोट करते हैं। तो वोटर आईडी नहीं है किसी के पास, या गुम हो गई है या नहीं मिली है, तो कोई चिंता या हताश होने जैसी बात नहीं। मतदाता सूची में यदि नाम है तो 12 प्रकार के अन्य दस्तावेज, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, तमाम तरह की चीजें हैं। हम लोग प्रचार भी करते हैं उसका पैम्पलेट पोस्टर्स के माध्यम से, तो वो उसके माध्यम से आप कर सकते हैं।
जो वोटर स्लिप का वितरण है वो हर मतदाता को मतदान दिनांक के 5 दिन पहले प्राप्त हो, बीएलओ के माध्यम से हम लोग सुनिश्चित करेंगे। पोलिंग का जो परसेंटेज है, लोकसभा 14 में जो मतदान का प्रतिशत था हमारा वो 61.57 था, लोकसभा 19 में काफी बढ़ा वो 61.57 था, लोकसभा 19 में वो अच्छी बढ़ोतरी हुई 71.16 रहा, 10% की बढ़ोतरी हुई जो काफी अच्छा था।